लगी नवी टर्बो फिटिंग करन ते अपनी पुरानी टर्बो पई आ। ये होल सैट की 25 नंबर है जी। आ जी एक्सल पैन लगे जी ट्रैक्टर दे, ते जिस किसी मेरे वीर ने एक्सल पाने हुण हाई स्पीड कराना होवे तविया मुकाबले ते दौड़ाना होवे ते भाजी दा नंबर दे दिंदा उत्ते मैं कंटैक्ट कर लियो। ते बाकी काम अपने टर्बो दा चलदा फिटिंग दा। टर्बो लग गई है जी, आवाज चैक करो ट्रैक्टर दी हुण थोड़ी सीटी मारन लग पिया। हाँ जी सत श्री अकाल जी, अज शुरू कर लगे जी अपना नवा ब्लॉग। तो अज असी आए थे जी टर्बो बदलाउन, ट्रैक्टर अपना खड़ा वह तो चाह पीन लगे थे। बाकी आ ट्रैक्टर का थोड़ा जिहा काम जिहा करदे ते बई तो बाद अपने टर्बो फिट करनी है ते बाकी बने रहो वीडियो च। आ टर्बो भारी है बहुत, फड़ के तो हांजी शो खोल ली है जी ट्रैक्टर दी ते हुण पुरानी टर्बो ला के ता नवी फिट करांगे। पुरानी टर्बो हैगी जी अपनी 25 नंबर ते नवी आपां ने लियांदी है जी 61 नंबर टर्बो गैरट दी ते 25 नंबर सीगी जी होल सैट दी ते बाकी रिजल्ट तुहानू बाद चो ला के चैक कराउंदे आ। हाँ जी आ जी बिल्कुल नवी टर्बो ब्रैंड न्यू, ये ट्रैक्टर ते लगी नहीं है डब्बा बंद टर्बो लई जी आपने ये ते आपां नू टर्बो पई जी 28,000 दी टर्बो है जी। ते बाकी फिटिंग तो सेम ही होनी है, थोड़े बहुते पैप माड़ी मोटी छेड़खानी करनी पैनी है। ते आ अपनी पुरानी टर्बो ये देख ही सकते हैं। ते हुण कई मेरे वीरां ने कहना कि ये बेचनी है ते कोई नहीं वीर अगले ब्लॉक च दसांगे जे सलाह बनी तां बेचण दी, तो फिलहाल तो नहीं बेचनी। तो थले वापसी पैप कस लिया टर्बो का, तो 25 नंबर टर्बो अपनी होल सैट की देख ही सकते हैं HX25। तो यह भी टर्बो का वधिया, ये थोड़ी हॉर्स पावर 5 का ही फर्क पाँदी है ते जिहड़ी होना ये 61 नंबर ये 10-12 हॉर्स पावर का फर्क पाँदी है। तो बाकी ला के तो तुहानू बाह के भी दिखावांगे ते फिलहाल तो फिटिंग करते हुए भाजी। तो अपने भाजी हुणी जगदीप भाजी फिटिंग करते हैं जी, डिंगरिया पिंड है जी। तो जिस किसी मेरे वीर ने ट्रैक्टर दड़ाउणा होवे जां तविया मुकाबले वाला कोई भी तैयार करवाउणा एक्सल पवाउणे आ ते भाजी हुणा तों उपर मैं नंबर दे दिंदा ते कंटैक्ट कर लिओ ते मेरा वीर फोन उही लायो जिन्हें काम करवाउणा आ। ते बाकी फिटिंग करते हैं टर्बो की, तो थोड़ा जहा ट्रैक्टर का काम करके तो फिर अपने फिटिंग कर देनी है जी। आ जी सीटी है जी, ये पुरानी वाली है, वढ़ के आप मूहरे लावे आप सीटी लानी नहीं है, तो उनके बाद बैंड ही लाना मूहरे खाली। तो आ भाजी हुणी दे एक्सल पाउण दे ट्रैक्टर दे बैंड तो फिट कर लिया जी टर्बो मूहरे, तो हूँ आह डब्बी जी कसनी है जी साइड से ता कि उपर ना लगे। तो थले वापसी पैप थोड़ा बड़ा पाया बड़ी टर्बो करके, तो बाकी तुसी देख लो प्लेट लेजर ना कट कटा के लिया है। हूँ बैंड बुंड कस के तो सारे माड़ा जहा पानी मारेंगे ट्रैक्टर नूं फिर तुहानूं दिखाउंदे पिकअप भी। आपने जिहड़ा सलांसर बनाया सीगा ते बाकी फिटिंग उही आ, बस थोड़े बहुत मोहरे सीटी वाला जिहड़ा जगाड़ वो चेंज किया ते सीटी आपने लहाती है। हाँ जी हम स्लो रेस से सीटी मारदा जी ये, तो जिदा अगे बहुत ज़्यादा सीटी मारता हूँ ये रेस छड्डी ते हुण हुंदा नहीं जी। बाकी चेक करो तो कमेंट करके दस्सिओ किदा लगी।
ਘਟਾਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇਲ ਦੂਲ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਰਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟਰੇਟਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਈ ਲੈ ਲਈ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਟਰਬੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਪਿਕਅਪ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਬਸ ਟਰਾਈ ਜੀ ਲਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਰੋ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ।